वीडियोग्राफी से रिलेटेड नए कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैं संजीव सिकरवार लीगल लैब पर आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, इसमें किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी से रिलेटेड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्या क्या प्रोविजंस हैं, उनको आज मैं डिटेल में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आज की वीडियो में मैं कुछ टेस्ट बताऊंगा, इन टेस्ट को अगर आपने ध्यान रखा तो इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये डिसाइड करने में कि वीडियोग्राफी करनी है नहीं करनी है, किस मैटर में करनी है किस में नहीं करनी, कितनी करनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस के जवाब आज के बाद आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि कई बार मेरी वीडियो आपको कुछ समझा तो देती है लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फिर आप जब दोबारा ढूंढते हैं उस वीडियो को तो वीडियो आपको मिलती ही नहीं है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बटन को हिट करके रखिए। तो शुरुआत करते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टोटल कितनी सेक्शंस ऐसी हैं जो किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी की बात करती है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टोटल 8 सेक्शंस हैं जो किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी की बात करती है। सेक्शन नंबर 54, 105, 173, 176, 180, 183, 185 एंड 497। ये टोटल 8 सेक्शंस हैं जो बात करेंगी कि वीडियोग्राफी कैसे होगी, कब होगी, किसकी ड्यूटी होगी वीडियोग्राफी करना, मैंडेटरी है ऑप्शनल है, इन सभी बातों के जवाब आपको केवल और केवल इन 8 सेक्शंस को पढ़ने के बाद मिल जाएंगे। इन 8 में से फ्रेंड्स कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। वीडियोग्राफी कुछ मैटर्स में कंपलसरीली करनी पड़ेगी, कुछ मैटर्स में डिस्क्रिशन होगी पुलिस ऑफिसर की, वो करना चाहे तो करे और अगर नहीं करना चाहता है तो ना करे। तो ये इधर ब्लू में जब आप ये देखेंगे तो ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं जहां पर वीडियोग्राफी करना कंपलसरी है। कौन कौन सी सेक्शंस हैं? सेक्शन 54, सेक्शन 105, 173, 176, 183। 183 में दो बातें हैं, 183 में यहां पर मैंडेटरी प्रोविजन भी है और ऑप्शनल प्रोविजन भी है फ्रेंड, और 185 है जो ऑप्शनल है वो 180, 497, ये दो सेक्शन हैं जहां पे कंपलसरी नहीं है वीडियोग्राफी, वो डिस्क्रिशनरी है कि चाहे तो कर ली जाए चाहे ना की जाए कोई बात नहीं। दोस्तों मैंने आपके लिए इस तरीके से डिजाइन किया है इस वीडियो को कि आप बहुत आसानी से वीडियोग्राफी से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में समझ सकें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किन किन मैटर्स में वीडियोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है। तो इन बातों को, टोटल जितनी भी बातें हैं वीडियोग्राफी से रिलेटेड, मैंने उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है कि जब जब कहीं सर्च की बात होगी, और सर्च किसकी, प्लेस की, किसी स्थान की सर्च की बात होगी, तो वीडियोग्राफी का प्रोविजन पिक्चर में आ जाएगा। हां, और ध्यान रखना कि ये सर्च चाहे विद वारंट हो रही हो या विदाउट वारंट हो रही हो। नंबर 2, सीजर अगर कोई करना है आपको, चाहे आप किसी आर्टिकल का सीजर करें, किसी डॉक्यूमेंट का सीजर करें, वो जब जब सीजर की बात आएगी तो वहां पर वीडियोग्राफी का भी क्वेश्चन उठेगा। तो एक बात हुई सर्च और दूसरी बात हुई सीजर। अब तीसरी बात है स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होता है तब भी वीडियोग्राफी की बात होती है। तो तीसरा सब्जेक्ट मैटर है स्टेटमेंट। तो जब भी स्टेटमेंट की बात आए तो आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि यहां पर कहीं वीडियोग्राफी का प्रोविजन तो नहीं है। मैं आगे डिस्कस करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। और चौथी बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज करना है या फिर प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करना है। इन मैटर्स में भी वीडियोग्राफी की बात की गई है। देखिए ये जो पहली दो बातें हैं, सर्च एंड सीजर की जब भी बातें होंगी तो ये ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स की है। तीसरा जो पार्ट है जो स्टेटमेंट की बात करता है, ये जो ड्यूटी है ये पुलिस की भी है और ये मजिस्ट्रेट की भी है, दोनों लोगों की ड्यूटी है ये। और ये चौथा जहां पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज की बात होती है या डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात होती है, वहां पर ड्यूटी है ये दोनों की, कोर्ट की या मैजिस्ट्रेट की। तो कॉन्सेप्ट समझे, पहली दोनों ड्यूटी पुलिस की,
तीसरी ड्यूटी पुलिस एंड कोर्ट की और चौथी ड्यूटी कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट की अकेले की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टोटल जो 8 सेक्शंस हैं उनमें से 6 सेक्शंस ऐसी हैं जहां पर वीडियोग्राफी का मैंडेटरी प्रोविजन दिया गया है और 2 सेक्शन ऐसी हैं जहां पर केवल और केवल वीडियोग्राफी ऑप्शनल है, वहां मैंडेटरी नहीं है। और 1 सेक्शन ऐसी है 183 BNSS जहां पर दोनों बातें हैं, 1 सब सेक्शन में मैंडेटरी है और 1 सब सेक्शन में डिस्क्रिशनरी है। तो उन सेक्शंस को हम ब्रीफ में देख लें और वो सबसे बड़ी सेक्शन है वीडियोग्राफी से रिलेटेड, वो 2 सेक्शन है फ्रेंड्स, एक 105 BNSS और एक 185 BNSS। तो 105 BNSS को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बट दूसरे प्रोविजंस क्या क्या कहते हैं उनको मैं ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि फ्यूचर में आपको जब भी इन सेक्शंस को डील करना पड़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि हमें वीडियोग्राफी यहां पर करनी है या नहीं करनी है। तो सबसे पहले सेक्शन लेते हैं, सेक्शन है 54 BNSS। सेक्शन 54 बात करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज की। आइडेंटिफिकेशन कब होगा एक्यूज का, ये एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जब जब एक्यूज का आइडेंटिफिकेशन होगा तो सेक्शन 54 में कहा गया कि आइडेंटिफिकेशन करने वाला पर्सन अगर फिजिकली या मेंटली डिसेबल है तो ऐसे पर्सन के लिए मजिस्ट्रेट साहब के सुपरविजन में एक तो आइडेंटिफिकेशन होगा और दूसरा मजिस्ट्रेट साहब ऐसे मेथड से आइडेंटिफिकेशन कराएंगे जिस मेथड में वो पर्सन जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है वो कंफर्टेबल हो। और सेक्शन 54 ने कहा कि ऐसा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस शैल बी रिकॉर्डेड बाय एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। यहां ध्यान रखने वाली बात यह फ्रेंड्स कि मैंने ये नहीं बताया कि एक्यूज के आइडेंटिफिकेशन के हर मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, नो ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल और केवल वही वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जहां पर आइडेंटिफिकेशन करने वाला विटनेस फिजिकली या मेंटली डिसेबल है। यह बात कहती है सेक्शन 54। वीडियोग्राफी से रिलेटेड जो मेन सेक्शन है जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो है 105 BNSS। और यह बात करता है कि जब किसी प्लेस की सर्चिंग की जानी है या किसी आर्टिकल का सीजर किया जाना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसको मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, बाकी सारे सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा बता देना चाहता हूं जिससे कि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे, कोई क्वेश्चन आए तो उसका जवाब आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट सेक्शन है जहां पर वीडियोग्राफी की बात हुई वो 173 BNSS। ये सीआरपीसी में सेक्शन 154 हुआ करती थी। यहां पर पूरी 173 डिस्कस नहीं करूंगा, मैं केवल वीडियोग्राफी वाला पार्ट बताऊंगा कि अगर किसी पर्सन के साथ, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट इन ऑफेंसेस में से कोई भी ऑफेंस हुआ था, सेक्शन 64 से लेकर 79 भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंसेस में से अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है एक्सेप्ट 72 एंड 73, ये दोनों सेक्शंस नहीं पढ़ेंगी। जब आप सेक्शन 64 से 79 तक जाएंगे तो इन दोनों को छोड़ दो, तो उनमें से अगर कोई ऑफेंस हुआ या फिर सेक्शन 124 BNSS का ऑफेंस हुआ और ऐसा ऑफेंस जिसके साथ हुआ है वो पर्सन, देखना फ्रेंड्स वो पर्सन जिसके साथ ये ऑफेंस हुआ वो या तो टेम्परेरीली या वो परमानेंटली क्या है, मेंटली या फिजिकली डिसेबल है, तो ऐसे पर्सन का स्टेटमेंट जब लिखा जाएगा FIR दर्ज करने के लिए तो ऐसे स्टेटमेंट की भी वीडियोग्राफी की जाएगी। ये बात कहां लिखी, सेक्शन 173 BNSS के प्रोविजो नंबर 2 और उसकी क्लॉज बी में। वीडियोग्राफी से ही रिलेटेड बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, इसलिए मैं ज्यादा यहां 173 के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट सेक्शन आती है 176 BNSS। पहले 157 CRPC हुआ करती थी, यहां पर मैं 176 पूरी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो ये प्रोविजन है जब मैटर 7 साल या उससे ज्यादा पनिशमेंट वाले ऑफेंस का है तो
तो एसएचओ फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सीन ऑफ क्राइम पर बुलाएगा और वहां पर एविडेंस कलेक्ट कराएगा और फिर इस प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जाएगी। अब अगली सेक्शन है 183 बीएनएसएस, और 183 बीएनएसएस में मैंने पहले बताया आपको दो पार्ट हैं, एक पार्ट में वीडियोग्राफी ऑप्शनल होगी, दूसरे पार्ट में वीडियोग्राफी मैंडेटरी है। तो ये जो सेक्शन है 183 बीएनएसएस, ये सीआरपीसी में 164 हुआ करती थी और ये दो बातों को हैंडल करती है। एक बात है कि किसी अक्यूज पर्सन का कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो मजिस्ट्रेट साहब कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं अक्यूज का, और दूसरा पार्ट है कि जब कोई फीमेल विक्टिम है और उसके साथ रेप से रिलेटेड ऑफेंस हुआ, मोलेस्टेशन से रिलेटेड ऑफेंस हुआ, तो ऐसे ऑफेंस में ड्यूटी लगाई गई है कि 164 सीआरपीसी या 183 बीएनएसएस का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष उस विटनेस को ले जाकर रिकॉर्ड कराया जाए। तो इसमें जो पहला पार्ट है, जब किसी एक्यूज का कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है तो इस मैटर को बनाया गया ऑप्शनल, उनकी डिस्क्रिशन है। अगर मजिस्ट्रेट साहब चाहें तो जब एक्यूज अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा है तो उसकी वीडियोग्राफी कराई जा सकती है बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। और इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करेंगे, वो कंपलसरी नहीं है उसकी वीडियोग्राफी। हां, उसका लिखना कंपलसरी है बट वीडियोग्राफी ऑप्शनल है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका 183 बीएनएसएस या 164 सीआरपीसी का, वो पार्ट बात करता है जब किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ, रेप का केस हुआ, मोलेस्टेशन का केस हुआ, जो आजकल भारतीय न्याय संहिता की धारा सेक्शन 64 से लेकर 79 तक दिए गए हैं। लेकिन यहां पर दो सेक्शंस को हटा दिया है, सेक्शन 72 एंड 73। हां, एक और सेक्शन है 124 बीएनएसएस। अगर ऑफेंस जब इन धाराओं का होता है तो विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब द्वारा। अब जब ऑर्डिनरी कोर्स में यह स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा इन धाराओं के अपराध के लिए, फीमेल जब जाएंगी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने, तो हर मैटर में वीडियोग्राफी कराना आवश्यक नहीं है। ध्यान देना, हर मैटर में वीडियोग्राफी आवश्यक नहीं है और यह ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की है, और केवल उन्हीं मैटर्स में वीडियोग्राफी आवश्यक है। यह ऑफेंस वाली विक्टिम कैसी है, जो टेम्परेरी या परमानेंटली मेंटली या फिजिकली डिसेबल है। अगर मेंटली और फिजिकली डिसेबल पर्सन है, उसके साथ रेप हो गया, उसके साथ मोलेस्टेशन हो गया, इन धाराओं में से कोई सा भी ऑफेंस हो गया, तो ऐसे विटनेस का, ऐसी फीमेल का जब स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने रिकॉर्ड होगा, जो पहले 164 सीआरपीसी में हुआ करता था, तो ऐसी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की वीडियोग्राफी की जाएगी। यह बात करती है 183 बीएनएसएस। अब बात करते हैं 185 बीएनएसएस। ये 185 पहले 165 सीआरपीसी हुआ करती थी। 185 का क्रक्स ये है, इन सेक्शंस को डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि इनके लिए वीडियो अलग से बनाएंगे। यहां केवल वीडियोग्राफी की बात हो रही है तो मैं केवल वीडियोग्राफी वाला पार्ट आपको समझा रहा हूं। 185 बीएनएसएस या 165 सीआरपीसी ये बात कहती थी कि अगर पुलिस ऑफिसर चाहे तो विदाउट वारंट किसी प्लेस की तलाशी सर्चिंग ले सकता है। 185 बीएनएसएस में यह बताया कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को सर्चिंग लेनी है अपने पुलिस स्टेशन की लिमिट में, तो जो सर्च कंडक्ट की जाएगी अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। शैल बी रिकॉर्डेड मतलब कंपलसरी प्रोविजन है कि जो तलाशी ली गई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाएगी। अब सेक्शन 185 की सब सेक्शन 5 है, वहां पर यह बताया गया जो रिकॉर्ड बनेगा उस रिकॉर्ड की कॉपीज मजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाएगी। आगे डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में क्योंकि बात केवल वीडियोग्राफी की हो रही है तो हम वीडियोग्राफी तक ही लिमिटेड रहेंगे। तो ये कुछ सेक्शंस ऐसी थी जहां पर कंपलसरी था वीडियो रिकॉर्डिंग करना। अब मैं बात करता हूं
जहां पर कंपलसरी नहीं है और ऑप्शनल है कि वीडियो रिकॉर्डिंग की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती है। तो सबसे पहले सेक्शन 180 BNSS, ये 180 BNSS 161 CRPC की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। और 161 CRPC या 180 BNSS में कि पुलिस ऑफिसर को पावर है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो किसी विटनेस को ओरली एग्जामिन करके उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। तो प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 3, 180 की सबसेक्शन 3 का जब आप प्रोविजो देखेंगे तो वहां पर लिखा है स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सेक्शन मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाई ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मे ऑल्सो कंपल्सरी नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर चाहे तो कोई भी स्टेटमेंट जो 161 CRPC में होता था आज 180 BNSS में होता है, उस स्टेटमेंट को अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाहे तो रिकॉर्ड कर सकता है, ये कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स इसमें। और जो 173 BNSS में स्टेटमेंट आ रहे थे, क्या अंतर है फ्रेंड्स? अंतर है कि वहां 173 में वो वाला स्टेटमेंट जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल वुमेन का था और ऐसी वुमेन का था जिसके साथ वो रेप का या मोलेस्टेशन का केस हुआ, तो वहां पर जो FIR के लिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है वही स्टेटमेंट के लिए वीडियोग्राफी कंपलसरी है। और अगर उसी वुमेन का अगर आप अब इस सेक्शन में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं 180 BNSS में दोबारा से, तो वहां वीडियोग्राफी कंपलसरी नहीं है, वहां पर ऑप्शनल है, पुलिस ऑफिसर चाहे तो रिकॉर्ड करे चाहे तो ना करे। अब नेक्स्ट सेक्शन है 497 और इस सेक्शन में बात की गई है कि मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को किसी को दे देते हैं, किसी की कस्टडी में दे देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कि जिसको वो उचित समझते हो। तो जब वो उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करेंगे, किसी की पजेशन किसी की कस्टडी में देंगे, तो वहां पर कंपलसरी प्रोविजन दिया गया है कि वो फोटोग्राफ कराएंगे ऐसी प्रॉपर्टी का। फोटोग्राफ कराना कंपलसरी है और ऑप्शनल प्रोविजन दिया है कि अगर उनको ठीक लगे इफ नेसेसरी तो उसकी वीडियोग्राफी भी कराएंगे, क्योंकि इफ नेसेसरी वर्ड वहां पर लिखे गए इसलिए ये ऑप्शनल है, डिस्क्रिशनरी है, कंपलसरी नहीं। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम मेन सेक्शन 105 BNSS। सेक्शन 105 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और यहां से जितने भी क्वेश्चन आज बनेंगे उन सब का आंसर मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन भी मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा और आंसर भी आपको एज पर लॉ बताऊंगा, बस आपको ध्यान से उस आंसर को और क्वेश्चन को सुनना है। आप पढ़ लीजिएगा इस सेक्शन को, वीडियो को पॉज कर लें और इस लैंग्वेज को आप पढ़ के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज्यादा वीडियोग्राफी इस सेक्शन पर डिपेंड करती है। इस सेक्शन का ब्रेकअप मैंने आपको दिया फ्रेंड्स और इस तरीके से आपको इस सेक्शन को पढ़ना है। जब आप इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखेंगे तो आप देखिए उसमें दो पार्ट है, शुरुआत क्या होनी है, रिकॉर्डिंग किसकी करनी है, ध्यान देना मैंने सबसे ऊपर लिखा है फ्रेंड्स द प्रोसेस ऑफ, जो वीडियोग्राफी की जानी है वो इस प्रोसेस की जानी है। और ये प्रोसेस किसका है, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ अ प्लेस, यानी किसी प्लेस की अगर तलाशी ली जाने हैं तो उसका जो प्रोसेस है तलाशी लेने का वो प्रोसेस सेल बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रिफरेबली मोबाइल फोन, यानी इस प्रोसेस का वीडियोग्राफी की जानी है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बातें कही गई कि ये जो द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ अ प्लेस था, ये जो सर्च ली जा रही थी ये कहां ली जा रही थी, अंडर दिस चैप्टर, और ये चैप्टर है फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 7 BNSS। और इस 7 में सेक्शन 94 से लेकर सेक्शन 110 तक जाती है। इतनी सेक्शंस में से कहीं भी किसी भी सेक्शन में अगर किसी प्लेस की सर्चिंग की बात हो रही है तो उस सेक्शन में जब आप तलाशी ले रहे होंगे तो वो प्रोसेस तलाशी का शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स।
और दूसरी बात, ये चैप्टर नंबर 7 के अलावा एक और बात लिखी है यहां पर कि अगर यही तलाशी कहां अंडर सेक्शन 185 बीएनएसएस, अगर चैप्टर 7 में नहीं थी तलाशी या फिर सेक्शन 185 में थी तो भी इस तलाशी के प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जाए। अगली बात, इधर वाले प्रोसेस को देखें, इधर वाला प्रोसेस क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी आर्टिकल और थिंग, और कहां ले रहे हैं ये पजेशन, कौन सी सेक्शंस में ले रहे हैं, अगेन अंडर दिस चैप्टर और अंडर सेक्शन 185, अगेन दोनों चैप्टर 7 सेक्शन 94 से लेकर 110 या फिर सेक्शन 185 बीएनएसएस। ये 185 अलग से इसलिए लिखना पड़ा फ्रेंड्स कि ये चैप्टर 7 में नहीं आता है, ये चैप्टर 13 में आता है, तो इसलिए लेजिस्लेचर को ये अलग से लिखना पड़ा। क्या है दूसरा पार्ट, कि अगर किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को, किसी प्रॉपर्टी को पजेशन में लेने का प्रोसेस पुलिस ऑफिसर पजेशन में लेने का कर रहा है तो ऐसे प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जाएगी, बिकॉज शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो दो पार्ट है यहां पर, रिकॉर्डिंग प्रोसेस की होनी है, प्रोसेस तलाशी लेने का या प्रोसेस पजेशन में लेने का। जो पजेशन में लेने वाला पार्ट होता है इसी को हम सीजर कहते हैं फ्रेंड्स। तो सीजर, सीजर करने वाला प्रोसेस और तलाशी लेने वाले प्रोसेस की वीडियोग्राफी करनी होगी। इसमें देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देगा ये पार्ट। जब आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो यहां पर शुरू होता है इंक्लूडिंग प्रिपरेशन से करके, तो मैंने इसको लिखा है द प्रोसेस, यही प्रोसेस है ये वाला प्रोसेस, द प्रोसेस इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च एंड सीजर। उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस में उस लिस्ट का बनाया जाना भी शामिल है जो लिस्ट आप सीजर करने के लिए करते हैं, और ऐसे आइटम्स का सीजर जो ऐसी सर्च में मिले थे। तो इस प्रोसेस में ये सब शामिल है। यहां के क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनता है, मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनता है और उसका आंसर यहां से कैसे निकलेगा। और इसी प्रोसेस में यह भी शामिल है कि साइनिंग ऑफ सच लिस्ट बाय विटनेसेस। अब जो लिस्ट तैयार करी, जो सीजर मीमो तैयार की पुलिस ऑफिसर ने, उस लिस्ट को, उस सीजर मीमो को विटनेसेस साइन कराया जाता है। तो जो साइन कराने वाला पार्ट है वो भी इसी प्रोसेस में शामिल है। तो इस प्रोसेस की वीडियोग्राफी का मतलब ये वाला पार्ट भी वीडियोग्राफी की जाएगी और ये साइनिंग वाला पार्ट भी वीडियोग्राफी की जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए होंगे तो कब वीडियोग्राफी करनी है, ये टेस्ट है एक तरीके का फ्रेंड्स। क्या टेस्ट निकल के आया, कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आप पावर यूज कर रहे हैं सर्चिंग के लिए या सीजर के लिए, वो चैप्टर नंबर 7 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होनी चाहिए, या फिर चैप्टर 7 की नहीं है कोई सेक्शन तो या फिर 185 सेक्शन होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी भी सेक्शन की पावर को यूज करके पुलिस ऑफिसर अगर सर्च करता है या तो, या फिर सीजर करता है, तो ऐसे प्रोसेस की, चाहे वो सर्च का है, चाहे वो सीजर का है, चाहे वो दोनों का है, ऐसे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कंपलसरी है, बिकॉज सेल वर्ड यूज किया गया है। अब वीडियोग्राफी हो गई, तो अब वीडियोग्राफी का क्या करना है, यही सेक्शन फिर आगे बताती है फ्रेंड्स। ये कहती है जब वीडियोग्राफी हो गई तो द पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस ऑफिसर जिसने ऐसा सर्च किया, सीजर किया, वीडियोग्राफी करी, शेल फिर से मैंडेटरी बना दिया, विदाउट डिले, बिना किसी देरी के, देरी नहीं होनी चाहिए, क्या करेगा, शेल फॉरवर्ड सच रिकॉर्डिंग, ऐसी रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड करेगा, ऐसी वीडियोग्राफी को फॉरवर्ड करेगा, कहां, टू, तीन जगह में से कहीं भी एक जगह इस वीडियोग्राफी को फॉरवर्ड कर सकता है, भेज सकता है। वो तीन जगह कौन कौन सी है फ्रेंड्स, नंबर वन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, डीएम को भेज सकता है, नंबर टू एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम को भेज सकता है, या नंबर थ्री जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास,
ध्यान देना फ्रेंड्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं लिखी है कि ये नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या फिर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। सिंपल लिखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करने के बाद इनको, इनमें से किसी एक को, तीनों को नहीं, किसी एक को भेज दी जाएगी, तो कहा जाएगा कि सेक्शन 105 की कंप्लायंस हो गई है। सेक्शन 105 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स। ये जो है पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल लीगल लैंप के नाम से है टेलीग्राम चैनल, मैं उस पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। लेकिन केवल प्रोविजन पढ़ लेने मात्र से सॉल्यूशन नहीं हो जाता है, हमको समझ नहीं आ जाता। जब तक उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा जाए, आंसर ना बताया जाए, तब तक प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो मैं आपके साथ वीडियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप वो कमेंट करके बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो दोस्तों लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी को अगर आप शेयर कर देंगे ये वीडियो तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।